गोरखपुर के फर्टिलाइजर का काम तेजी से चल रहा है। पाइलिंग भी बकायदा मजदूरों की सहायता से की जा रही है। अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए हुए काम को हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव के द्वारा रियलिटी चेक। गोरखपुर के लिए फिर से फर्टिलाइजर का शुरू होना और एम्स की स्थापना किसी मील के पत्थर से कम नहीं। अगर ये दोनों परियोजनाएं अपने निर्धारित समय पर शुरू हो जाएं तो निश्चित रूप से गोरखपुर की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जब किसी बदलती हुई तस्वीर पर कुछ राजनीतिक दलों की ओर से दाग लगाने का प्रयास किया जाता है, तब गोरखपुर न्यूज सीएम सिटी में होने वाले इस बड़े बदलाव और निर्माण कार्य की रियलिटी टेस्ट भी करता है। अभी हाल ही के दिनों में एक राजनीतिक पार्टी ने फर्टिलाइजर में हो रहे निर्माण कार्य को सफेद झूठ बताया था। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि वहां पर किसी प्रकार की कोई निर्माण नहीं हो रहा है और पाइलिंग अगर हो भी रही है तो वो भी केवल दो मजदूरों के सहयोग से। गोरखपुर न्यूज इस खबर को संजीदगी से लिया और निकल पड़ा सच की तलाश में, फर्टिलाइजर का सच जानने के लिए। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन बाकायदा हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की ओर से पाइलिंग का काम शुरू हुआ था, मगर कुछ राजनीतिक दलों ने कहना शुरू कर दिया कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कर रहा है, जबकि सच्चाई दिखाना हमारा फर्ज है और इसी फर्ज के तहत हम पहुंच गए हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की विशाल चार दीवारियों के अंदर। वहां पर पहुंचने के बाद कुछ लोगों के नजरिए के खिलाफ वहां का नजारा देखने को मिला, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए आप जरा इस सच को देखिए। चार दीवारी के अंदर काम हो रहा है, मजदूर बड़ी मेहनत से दिन और रात काम पर जुटे हैं। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि यहां पर जापान की कंपनी टोयो और यूरोपीय देश जर्मनी की कंपनी पिलर संयुक्त रूप से काम कर रही है। मजदूरों के साथ साथ वहां पर इंजीनियर्स भी उनको निर्देशित करते हुए नजर आए। पाइलिंग यानी कि गहराई तक खुदाई करने के बाद उसे छड़ और सीमेंट से एक ढांचे का रूप देना होता है। यही काम अपने शुरुआती दौर पर चल रहा है। मजदूर इसके लिए आए दिन बढ़ाए भी जा रहे हैं और लगभग एक महीने में 300 नए मजदूरों की भी नियुक्तियां होनी है। फर्टिलाइजर के खिलाफ किए जा रहे इस प्रचार में ये रियलिटी टेस्ट हमारे कैमरे के सामने झूठ साबित हुआ कि यहां पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसके बारे में हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता अजय श्रीवास्तव ने जापानी कंपनी के मैनेजर अशोक यच से इसके बारे में पूरी जानकारी ली तो उन्होंने बताया। ये चीज, हाँ, ये बेसिन बेड के सेटअप कर रहे हैं, ये फाउंडेशन के ऊपर भी इधर पे मिलर पैनल अंडे नीचे मिलर इधर लाएगा, जो ब्रिक्स वर्क कर रहे हैं ना इधर पे मिलर आएगा, कंक्रीट लोड करके इधर से जाएगा और इधर इधर टेस्टिंग लेबोरेटरी इधर बनाया गया। क्या भी मटेरियल लेके आ बात ना आउट स्पेशलिस्ट मतलब उनका जो इंचार्ज है पर नॉर्थ जो हाँ, तो इसको क्या है ऊपर में जो बैठेगा ना पुलिस ऐसा करके खींच रहेगा, कनेक्टर उठा के जैसे भी से मेन में डंप करेंगे, देन मिक्स होगा। एग्रीगेट्स एंड सैंड स्टैकिंग अभी चालू हुआ है। ये हमारा सीमेंट गोडाउन है, यहाँ पे हम सीमेंट गोडाउन बना रहे हैं हमारा, जिसका लंबाई 120 फीट, सारे मटेरियल्स आ चुके हैं सीमेंट गोडाउन के। क्या है ये? सीमेंट गोडाउन का पोस्ट का मार्किंग है, लेआउट फुली एंकर होगा, वो ग्राउंड से पूरा फाउंडेशन बना के सब स्ट्रक्चर बनाएंगे, काफी हेवी फाउंडेशन ऊपर में रहेगा ना वो हांडी। कितने वर्कर लगे हैं, कितने दिन में अभी आप बोल रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा? अभी हमारे पास जो बैचिंग प्लांट के लिए सेपरेट वर्कर हैं वो 15 से 20 हैं, राइट। जो हमारा 24 आवर वर्क चल रहा है तो हमारा जो Thank you.
चलो लैपिंग पोर्शन जो है ना, लैपिंग पोर्शन रिंग पोर्शन उधर में टाका वेल्डिंग सारा इससे केस फैब्रिकेशन होगा। ये आप देख रहे हैं केस बन के यहाँ पे अलग अलग डाया के केसेस बन के यहाँ पे रखे हुए हैं, सारा स्टैकिंग करेंगे। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे केस फैब्रिकेशन वाला गैंग है, अभी और भी बहुत सारे आदमी यहाँ पे आएंगे और हम लोग पूरा फुल फ्लेज में काम हमारे स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअल हम लोग का क्या है, प्लानिंग है, टोटल हमारा 10,500 के आसपास फाइल है, इसमें से पार्ट डे हम लोग का प्लानिंग है नियर अबाउट 35-40 फाइल्स कंप्लीट करने का। तो बेस्ड ऑन दैट कम से कम 6 रिग हमारा डे नाइट चलेगा, तो वही हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली उसको जो केज वगैरह जो है ना, केज वगैरह वही हिसाब से कम से कम 5-6 गैंग तो लगेगा, केज प्रिपरेशन करना पड़ेगा। डेली कम से कम 40 केज हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वही हिसाब से राउंड द क्लॉक तो जॉब चलेगा इधर। तो जो टारगेट है उस पर अभी चल रहा है ना कोई? यस अभी शुरू में थोड़ा सा कम हो रहा है, बट विद इन 7 डेज के अंदर में हम लोग कोप अप कर लेगा एंड टोटल हम लोग का जो बैकलॉग जो था ना वो भी हम लोग कवर कर लेगा। बात ये है ना कि हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो वर्कमैन के मतलब सुरक्षा को ना हम लोग हाई प्रायोरिटी में रखे हुए हैं। आप लोग आप देख सकते हैं कि सबके पास ना सारा जो भी पीपी है, हैंड ग्लव, चश्मा, हेलमेट, जैकेट, शूज, तो ये सारा चीज़ ना हम लोग पहले सुरक्षा रखे हुए हैं, बाद में हम लोग काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का एक मोटो है ना कि यहाँ पे जो भी वर्कर आएंगे तो उन वो जिस तरीके से अपने घर से आएंगे ना उसी तरह हम उनको वापस घर भेजेंगे। तो इसके लिए ना हम लोग वर्कमैन का सुरक्षा ना सबसे ऊपर हमारे मतलब हम लोग काम से पहले ना सुरक्षा है। वर्कर तो उसी तरह आते होंगे अपने ड्रेस में, यहाँ के उनको हेलमेट सब उपलब्ध करा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, अभी हम लोग जिस ये जो गोरखपुर का जो एरिया है ना, यहाँ पे उतना कंस्ट्रक्शन नहीं है और यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो एक मतलब कॉन्ट्रैक्टर टाइप की कंपनियाँ काम कर रही हैं, जो कि मतलब सुरक्षा के बारे में उनके पास ना जीरो वो सेटअप है। बट हमारी जो यहाँ पे कंपनी है ना, जैसे अपना टोयो है, टोयो एक जापान की कंपनी है और हमारी जो कंपनी है ना, हम लोग टोयो के अंदर में काम कर रहे हैं, वो एक जर्मन की कंपनी है। किलर आपकी? हाँ, केलर ग्राउंड इंजीनियरिंग। तो हम लोग का ना पहला मोटो यही रहता है कि साइड पे हमारा जीरो एक्सीडेंट हो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को ना खरोच लगे, ना कोई एक्सीडेंट हो, वो जैसे ही घर जैसे घर से वापस आया है वैसे ही उसको वापस घर भेजना है, ठीक है। टोटल कंप्लीट होने के लिए 3 साल लगेंगे। पीक पीरियड में यहाँ पे प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट में करीब 3000 वर्कर्स रहेगा, 3500 वर्कर्स तक जल लगेगा टोटल। एट प्रेजेंट ओनली हमारा फाइलिंग जॉब चल रहा है और फाइलिंग वर्क के लिए अभी हमारा 100 स्ट्रेंथ है, टोटल 200 स्ट्रेंथ बढ़ेगा पीक पीरियड में फाइलिंग के लिए। पर्टिकुलर हमारा एक मंथ का टारगेट जो है वो 450 फाइल का है, टोटल 10,500 फाइल्स है। पीक पीरियड में हमारा फाइल्स 2000 पर मंथ रहेगा एंड विद इन 1 ईयर मीन्स 2019 फेब्रुवरी तक टोटल फाइलिंग वर्क कम्प्लीट होगा। सिविल वर्क जो है यहाँ पे जो सिविल वर्क मंथ में वो जुलाई में चालू हो जाएगा, चालू रहेगा और वो 2 शिफ्ट में काम चलेगा। बरसात में कोई फाइलिंग में दिक्कत नहीं होगी और टोटल कोई दिक्कत जो भी होगी वो उसको हम निभा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि हमारा कंटिन्यूस ग्लोबल मार्केट में हम ग्लोबल इसमें काम करते रहते हैं और इसमें 2 शिफ्ट में काम चलेगा। लोगों की बारिश के वगैरह जो है पूरी केयर ली जाएगी।